भैया जी क्या कुछ कहेंगे, एक मुद्दा है चुनाव को, आने वाले समय में चुनाव देखने को मिल रहा है, तो किसका चेहरा देखना चाहते हैं आप नेता के रूप में, भाजपा का या कांग्रेस का? कांग्रेस का। कांग्रेस का, चलिए एक बात और वोट क्या लगता है आपको, क्या समस्या रही है? समस्या आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप मुझे देखिए यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे, आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, तो किस चेहरे को आप नेता देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को, वाह जी क्या बात है, मोदी जी को सीधा निशाना। हाँ जी, तो के बारे में, तो हरियाणा के अंदर सबसे पहले आप किस नेता का चेहरा देखना चाहते हैं, भाजपा का या कांग्रेस का? देखते हैं, कांग्रेस जाएगा तभी देखेंगे। कांग्रेस का, क्या बात है जी, एक वोट कांग्रेस को मिल गया, क्या बात है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने काम नहीं किए, विकास नहीं किए, तो क्या कहना है आपका? आज चल रहा है 2024 और 2024 में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव की सरगर्मियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसी बीच जो है, अगर हम पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, तो सारी पार्टियां जो है आज के समय में, माने तो चुनाव के समय में ग्राउंड पे देखने को मिलते हैं। इसी बीच जो है, जो आम इंसान होता है, जो एक लोकल इंसान होता है, जो एक मजदूर किसान होता है, उनकी नज़र होती है एक नेता पर, जिन नेता को वो आने वाले समय में चुनना चाहेंगे। समय हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पे, और ग्राउंड जीरो पे अब हमारे आगे पीछे घुमा के देख सकते हैं, एक भारी भीड़ देखने को मिलेगी यहाँ पे लोगों की, और हम आज लोगों से राय जानने के लिए आए हैं कि आने वाले इलेक्शन के बाद 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, जो कुछ दिन बाद जो इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद जो है किसको अपना नेता चुनेंगे, जिस नेता को वो वोट देंगे, एक बार हम जानने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हैं और एक एक करके सबकी राय लेंगे, सबसे जानने की कोशिश करेंगे, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो रहा है। सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप मुझे देखिए यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे, आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, तो किस चेहरे को आप नेता देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को, वाह जी क्या बात है, मोदी जी को सीधा निशाना। हाँ हाँ जी, तो क्या लगता है कि मोदी की सरकार आने के बाद जो विकास, जो रोजगार, जो शिक्षा, जिन चीज़ों का दावा किया था, क्या वो पूरा हुआ है? पहल तो उन्हीं की बनी हुई है, बाकी आगे पूरा पता नहीं। अभी एक विश्वास है कि आने वाले समय में और देखने को मिलेगा। हाँ, मोदी हो सकते हैं। तो कांग्रेस कहती है कि हमने 70 साल में विकास किया है, भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। भाजपा ने भी किया है काम। तो चलिए जी, और चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कुछ कहेंगे, आने वाले समय में हरियाणा की बात करें तो कौन सा चेहरा आप देखने वाले हैं, भाजपा की तरफ से सरकार बननी चाहिए या फिर कांग्रेस की, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो है आमने सामने आएंगे। इस टाइम तो भाजपा का थोड़ा जोर है। भाजपा ही आएगी। भाजपा ने जो दावा किया था रोजगार का, बेरोजगारी, शिक्षा का, इन सब चीजों का दावा जो किया था, पूरा कर दिया? तो कुछ पूरा किया, कुछ नहीं किया। चलिए जी, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये तो यूथ है, क्योंकि यूथ का ये कहना है कि भाजपा आनी चाहिए, और भी लोगों से हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, जिस तरह से अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि एक भारी भीड़ यहाँ पर, हालांकि आने वाले समय में इलेक्शन जो है वो भी देखने को मिले, और इस बीच हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, जहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि एक आम इंसान जो वोट देता है, और वोट देने के बाद एक आम इंसान जो अपनी सरकार बनाता है, और सरकार बनाने के बाद उसे एक इंसान को चुनता है, जो इंसान जो है उसके आने वाले समय में उनकी समस्याओं का हल करेगा। हमें तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग काम करते हैं, चलो इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एक बड़ा मुद्दा है। भैया क्या कुछ कहेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, तो हरियाणा के अंदर किस चेहरे को आप नेता बनाना चाहेंगे, कांग्रेस के या भाजपा के? भाजपा के। भाजपा के, क्या बात है जी, एक वोट और भाजपा को मिल गया। आपसे जानने की कोशिश करें अंकल, कौन से चेहरे को आप नेता बनाएंगे? भाजपा। तो भाजपा ने जो वादे किए थे, क्या वो पूरे किए? बढ़िया काम करे हैं सारे, शिक्षा पे, रोजगार पे, सब चीजों पे, सब बढ़िया, विकास पे अच्छा करे। भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, तो आपके हिसाब से रोजगार बढ़िया चल रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, एक वोट और जो है वो भाजपा को मिल गया। भैया भाजपा की तरफ से जो वादे किए गए थे कि हमने शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, क्या वो सारे वादे जो है पूरे किए? पूरे करेंगे जी। पूरे किए? काम कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। क्रेडिट किसको देंगे इसका? हाँ जी, इसका क्रेडिट किसको देंगे? भाजपा को ही देंगे। चलो भाई, एक वोट और दमदार वोट मिला है कि जो मेरा काम चल रहा है उसका क्रेडिट भी जो है हम भाजपा को ही देंगे। और भी लोगों से जानने की कोशिश करें, क्योंकि हमने जैसा कहा कि एक आम इंसान जो है वो सरकार बनाते, और ये वही आम इंसान है जो सरकार बनाते और सरकार गिराते भी, एक आम इंसान के वोट से जो है ये सरकार बनती है।
चलिए जी, अब एक और जगह पर आए हैं। यहाँ भी कुछ लोगों की हम राय लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक भारी भीड़ है यहाँ पे। चलिए, जानने की तो कोशिश ज़रूर करेंगे हम, क्योंकि हम भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से आप लोग सभी देखते हैं हमारे चैनल को, कि हम जो खुलासा है वो करते रहते, एक बार कोशिश भी करेंगे लोगों से जानने की कि तो एक बार जो है हम जानने की भी कोशिश करेंगे इन भैया से। भैया जी, क्या कुछ कहेंगे? एक बड़ा मुद्दा जो है, आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव आने वाले, तो हरियाणा के अंदर सबसे पहले आप किस नेता का चेहरा देखना चाहते हैं, भाजपा का या कांग्रेस का? देखते हैं, कांग्रेस जाएगा तभी देखेंगे। कांग्रेस का? क्या बात है जी, एक वोट कांग्रेस को मिल गया, क्या बात है। तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने काम नहीं किए, विकास नहीं की, तो क्या कहना है आपका? आपको क्या लगता है, क्या कुछ समस्याएं रही हैं आपके? ऐसे है ना, पहले अब ऑनलाइन जमाना आ गया, अब जैसे मेरी मम्मी का था वोटर कार्ड, उसमें पासवर्ड डालते हैं, वैसे उनकी बनती है 60 से उम्र एज, और वैसे पासवर्ड डालेंगे तो उम्र होती है कम, पहले वैसे ही ठीक ठाक हो जाता था। अब ये जब से ये वाली आई है ना, ये भाजपा, ये अब जो भी काम होते हैं ना, ये आसानी से ही होते, परेशानियाँ ज़्यादा हैं। समस्या यही है या और भी हैं समस्याएं? समस्या तो बहुत है जी, वो तो सारा दिन करते रहेंगे तो ख़त्म ही होती। भाजपा ने कहा था कि विकास, रोजगार और शिक्षा के ऊपर काम करिए, क्या लगता है कि 9 साल में भाजपा की सरकार में काम हुआ है? मारा तो कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा, तो क्या क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो वही आनी चाहिए, पहले भी बिना कागजों के या बिना वैसे हो जाते थे काम। तो क्या फर्क देखने को मिलता है जब कांग्रेस की सरकार थी और अब भाजपा की सरकार है, तो दोनों में क्या फर्क देखने को मिलता है? बाकी ये फर्क है कि भाई उनके टाइम में काम हो जाते थे, इनके टाइम में बड़े मुश्किल से होते हैं। चलिए, अब दूसरी जगह पर आ गए, यहाँ पर भी हम लोगों की राय जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले भी कहा कि IBN छोड़ेगा नहीं इस चीज़ को। भैया जी, क्या कुछ कहेंगे? एक मुद्दा है चुनाव को, आने वाले समय में चुनाव देखने को मिल रहा है, तो किसका चेहरा देखना चाहते हैं आप नेता के रूप में, भाजपा का या कांग्रेस का? कांग्रेस का। कांग्रेस का? चलिए, एक बात और वोट कांग्रेस का। आपको क्या समस्या रही है? समस्या ताजी खान वाले सारी समस्या, कागज नहीं पूरे, चलो जी गड्डिया वाले कागज पूरे, रिक्शा वाले फड़ फड़ के, ताजी खाने वाले फड़ फड़ के सारे काम बंद, सरकार को सुनती नहीं। भैया जी, क्या कुछ कहेंगे? एक मुद्दा है चुनाव को, आने वाले समय में चुनाव देखने को मिल रहा है, तो किसका चेहरा देखना चाहते हैं आप नेता के रूप में, भाजपा का या कांग्रेस का? कांग्रेस का। कांग्रेस का? चलिए, एक बात और वोट कांग्रेस। आपको क्या समस्या रही है? समस्या ताजी खाने वाले सारी समस्या, कागज नहीं पूरे, चलो जी गड्डिया वाले कागज पूरे, रिक्शा वाले फड़ फड़ के, ताजी खाने वाले फड़ फड़ के सारे काम बंद, सरकार को सुनती नहीं, अपनी मर्जी ना राशन कार्ड देनी, अपनी मर्जी ना राशन कार्ड देना, कैसे करके प्रश्न है। हमने विकास किया है, बेरोजगारी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया भाजपा आज के टाइम, जो कुछ नहीं किया, जे भाजपा ने किया होता ना, पढ़े लिखे थे आजकल रिक्शा नहीं चलाते, ना नौकरी मिली ना कुछ। तो क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस ही आएगी, भाजपा तैयार नहीं थी। कितना पढ़े हैं आप? मैं 10+। आप 10th हैं? हाँ जी। तो आपने कभी प्रयास किया? प्रयास कितना है, है भी लाइसेंस है मेरे को, हरियाणा रोडवेज का लाइसेंस है, आज तक जॉब नहीं मिली। 12/7/1988 तो लैके आज तक कोई प्राइवेट छड़, सरकारी सरकारी छड़, प्राइवेट जॉब नहीं मिली। कदे आप पूरा करो, कदे कागज पूरे करो, कभी मतलब कुछ सोल्यूशन नहीं। भाई, इनका तो ये कहना है कि डॉक्यूमेंट में ज़िंदगी जो है ना वो उलझ की रहेगी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और भी जानने की कोशिश करेंगे, लोगों की राय लेने की कोशिश करेंगे, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, अंकल आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक मुद्दा है, वो मुद्दा है चुनाव का, कि आने वाले समय में चुनाव देखने को मिलता है, हरियाणा के अंदर आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं, भाजपा का या कांग्रेस का? भाजपा का जी। भाजपा का? क्या बात है, 100% है भाजपा का देखना चाहते हैं जी। जो जो काम भाजपा के राज में वो कांग्रेस राज में तो हुआ नहीं, कांग्रेस ने 73 साल राज किया, उन्होंने करके क्या दिखाया? भाजपा ने तो 3-5 साल में काम तो कुछ करके दिखाया। कांग्रेस कहती है कि भाजपा के राज में कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ किया हमने किया था। नहीं, आप ही देख लो, सड़क बन रही है, पुल बन रहे, सब अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो सड़क का काम हमारा था, भाजपा ने सिर्फ आके कुछ नहीं करा, कांग्रेस कुछ नहीं करा, आज तक करके दिखाया। कुछ समय कोई मैंने गाड़ी लिया तो मैंने कांग्रेस के राज में लोन लेने के लिए गया, मेरे को मना कर दिया, लोन मिलता, मैं बात के राज में लोन लेने के लिए गया, मेरे को लोन मिल गया, फट दी 5 मिनट में लोन पास हो गया, और क्या चाहिए मेरे को? बात तो सरकार आनी चाहिए, अच्छी बात है, बढ़िया है, हम इनके कहते आनी चाहिए, मोदी बैठे वो सब कुछ करेगा, बढ़िया अच्छा काम कर, जो ऊपर बैठे वो सब अच्छा काम करा, नीचे कह नहीं सकता मैं, ऊपर तो अच्छा काम करा। तो एक बार यहाँ पे कुछ सब्जी बेचने वाले लोग हैं, हम इनसे भी जो है जानने की कोशिश करेंगे। भैया जी, काम कैसा चल रहा है आपका? काम तो बहुत मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है,
भैया जी, एक मुद्दा है, आने वाले समय में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन में हरियाणा की बात करें तो कौन से चेहरे को आप अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं, भाजपा को या कांग्रेस के नेता को? अब जो भी आएगा सही आएगा। सही आएगा, भाजपा या कांग्रेस में से कौन सा आना चाहिए आपको? क्या लगता है, आप किसको पसंद करते हो? तो नरेंद्र मोदी आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे। नरेंद्र मोदी, क्या लग रहा है, क्यों नरेंद्र मोदी जी क्यों आने चाहिए आपको? क्या लगता है, क्या कुछ, क्या विकास वगैरह कुछ हुआ है? बहुत से कर रहे हैं, सुविधा भी दे रहे हैं। हाँ जी, बहुत कुछ कर रहे हैं वो। मतलब क्या कुछ, क्या लग रहा है, क्या कुछ किया है? महंगाई खत्म हुई है? महंगाई तो और बढ़ी रहा है। महंगाई क्या है, मजदूर का मजदूरी नहीं मिल रहा, करेगा क्या? तो फिर भाजपा सरकार कहती है कि हमने बेरोजगारी को खत्म किया है। कहाँ रोजगार के खत्म किया, ऐसे पूरा सैकड़ों मजदूर ऐसे भटक रहा है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों आए? अब देखो, जो भी आएगा अच्छे के लिए आएगा, और हम क्या कर सकते हैं उसमें। कांग्रेस के राज में क्या लगता है कि जिस तरह से आज महंगाई बेरोजगारी देखने को मिले, क्या कांग्रेस के राज में भी ऐसा देखने को मिलता था? अब तो हम क्या बता सकते हैं। चलिए जी, कोई ना, इनका वोट जो है वो भाजपा को गया है कि आने वाले समय भाजपा सरकार होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की ना एक उम्मीद होती है कि जो इंसान हमारी मुसीबतों का हल करेगा, हमारा काम करेगा, हमें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, हमें डॉक्यूमेंट के अंदर उलझना ना पड़े। तो लोगों का यही कहना है कि जो इंसान आएगा वो हमारा काम करना चाहिए, हमारी मुश्किलों का हल करना चाहिए, बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहिए। एक बार हम इनसे भी जानने की कोशिश करिए, भैया क्या कुछ कहेंगे? भैया जी, हमें एक बड़ा मुद्दा है इलेक्शन का, आने समय में इलेक्शन होने वाले, चुनाव होने वाले हैं, तो किसका चेहरा देखना चाहते हो आप नेता के रूप में, भाजपा का या कांग्रेस का? मोदी का। मोदी जी का? बेरोजगारी खत्म किया मोदी जी ने, चाहे करे ना करे, लेकिन अच्छा काम कर रहा है वो। कौन सा अच्छा काम किया है बताओ? क्या नहीं करा उन्हें अच्छा काम, आप एक दो बता दीजिए। आप बताओ क्या क्या किया? देखो जी, पहले कितनी महंगाई थी, अब देखो बंदा, महंगाई यूँ बढ़ रही है कि लोग बांध लेंगे तो महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? पहले रिक्शा चलता था पैरों से, अब बैटरी चलता है, महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बताओ? तो कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया था हमारा ही किया था, भाजपा के लोग आके उद्घाटन कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से पेट्रोल तो, आप कह रहे हो महंगाई जो है वो पहले ज़्यादा थी, पेट्रोल तो अब 96 रुपये चल रहा है, जो रसोई गैस है वो आप देख लो 912 रुपये चल रहा है। भाई साहब, सुविधा भी तो आ रही है, पहले लोग चूल्हे बनाते थे, अब गैस पे बनाते हैं, कितना फ़र्क है? चूल्हे का जमाना तो 40 साल पहले होता था भाई साहब, बीच में चूल्हा भी बन रहा था, मोदी के आने के बाद ही तो चेंज हो गया सारा। भाजपा कहती है ना कि हमने महंगाई खत्म की, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार आनी चाहिए, सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर। चलिए जी, इन लोगों का भी यही कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार है। तो एक बार हम इन अंकल से जानने की कोशिश की, अंकल जी यहाँ पर बैठे हैं, चप्पल की फड़ी जो है वो लगाई है। अंकल जी, आपसे बात करना चाहेंगे, आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा जो है वो चुनाव का होने वाला, आने वाले समय चुनाव देखने को मिलेंगे, तो क्या कहना चाहते हो आप, किसकी सरकार आनी चाहिए, भाजपा या कांग्रेस? वैसे तो भाजपा सही है, मोदी सही है हमारे लिए, तो वैसे तो काम धंधे तो है नहीं, मोदी का जो सब काम है ना उससे मैं संतुष्ट हूँ, बस काम धंधे की प्रॉब्लम है। आप कहते हो कि मोदी सही और काम धंधा है नहीं, और मोदी जी कहते हैं कि हमने बेरोजगारी खत्म कर दी है। बात मैंने इसलिए खत्म करी है कि मोदी का जो सब विचार है ना, हाँ, वो सही है, अच्छा। बाकी कार्यकर्ताओं का उनका विचार सही है। तो आपके हिसाब से मतलब विचार तो उनके भी अच्छे हैं, हाँ। अपना कांग्रेस वालों के भी अच्छे हैं, राहुल गांधी भी बड़े अच्छे विचार सुनाते हैं। कांग्रेस वाले नहीं, राहुल गांधी बड़े अच्छे विचार सुनाते हैं अपने। नहीं, वो तो सही है, वो अपनी जगह सही है। मोदी जी जो है वो लोगों की जो मन की बात है वो रेडियो पे सुनते हो, राहुल गांधी ग्राउंड में जाके सुनते हो, तो क्या कहना चाहेंगे? ना उसके बारे में कुछ नहीं, वो इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है कि वो खड़े हों। अच्छा, किसकी सरकार देखना चाहते हो? इसी की याद आनी चाहिए, भाजपा की सरकार। चलिए जी, अंकल का वोट जो है वो भी भाजपा को चला गया। तो एक बार और भी लोगों से हम जो है वो जान लेते हैं, यहाँ पर हम माता जी बैठी हुई हैं। माता जी, आपसे एक बात करना चाहिए, पहले तो बताओ काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा जी, शादियाँ चल रही जी। अच्छा जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे, आने वाले समय में जो है चुनाव देखने को मिलेंगे, तो किसके, किसको आप अपने नेता के रूप में देखना चाहते हो, भाजपा के किसी नेता को या फिर कांग्रेस को? बीजेपी को। बीजेपी को, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्या बात है जी, काम सही चल रहा है ना जी? अच्छा चल रहा है जी, हमने काम, रोजगार मिल गया जी, अभी अयोध्या में दीवे जले नहीं, हाँ। इसके अलावा तो हमारी बहुत अच्छी बिक्री हुई जी, दीवे बहुत ज्यादा बिके जी, राम जी के आने के बाद आपकी वो दियों की वजह से आपकी बिक्री हो रही है, दिवाली से भी ज्यादा मनी जी की बार 22 जनवरी, तो इसीलिए मोदी जी आने चाहिए। हाँ जी, मोदी जी आने चाहिए जी, जरूर। जैसे पिछले 5 सालों में, यानी अगर वो राम मंदिर ना बनता तो फिर आप कुछ और मन था फिर आपका, अगर आपके दिए ना बिकते तो आप क्या कहते, कांग्रेस आनी चाहिए? नहीं, फिर भी बीजेपी आनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, एक वोट बीजेपी ना, बहुत बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, हाँ जी, चलिए।
तो यहाँ पर फ्रूट वाले उनसे भी जानने की कोशिश की, ऑटो वालों से जानने की कोशिश की, शॉपकीपर से जानने की, आम इंसान से भी जानने की कोशिश की। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, हम इनकी भी राय जो है वो भी लेना चाहेंगे। भैया जी एक राय आपसे ना कुछ क्वेश्चंस करने थे। हाँ जी, तो आपसे सवाल है कि आने वाले समय में चुनाव जो है वो होने वाले हैं, तो किस चेहरे को कौन सी सरकार आप देखना चाहते हैं, भाजपा या कांग्रेस? मोदी सरकार, मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार, मोदी सरकार। आप बताइए। कांग्रेस, कांग्रेस। क्या बात है, मोदी सरकार वाले पहले आप बताइए कि किस लिए मोदी सरकार आनी चाहिए? मोदी सरकार, बस मोदी सरकार, मोदी जी जो करते हैं अच्छे करते हैं। और स्टेट में कांग्रेस, क्या लगता है? आपके सामने बैठ के कह रहे हैं कि मोदी अच्छा करते हैं आप? नहीं जी, कांग्रेस सरकार है, उसमें सब खा रहे थे, बढ़िया कमा रहे थे। अच्छा, इन्होंने तो भुखमरी कर दी। और ऐसी भुखमरी कर, अरे इसके कहने से क्या होगा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? इनसे पूछो, देखो दस दस इनसे पूछो मैडम जी, देखो बेरोजगारी कितनी है इस समय, और काम धंधे भी सबके चौपट हुए पड़े हैं बीजेपी में। सेंटर में मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, सेंटर में मोदी को लाएंगे, स्टेट में कांग्रेस को लाएंगे, इनके बस की नहीं है रहना चलाना। तो जैसे कि भाजपा कहती है कि हमने बेरोजगारी खत्म की है, शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है। हम बीटेक हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बताओ क्या जॉब दी है इन्होंने मेरे को? बेरोजगारी, मैं बेला बेरोजगारी बेले, और तभी तो इनके पास आके बैठ गए। भैया जी बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या कहना चाहिए? रेडी लगा के बैठे हैं। मैं तो कर रहा हूँ काम, मेरे तो मौज है। क्या काम कर रहे हैं? मेरी रेडियां लगती है 10-12। क्या एजुकेशन आपकी? मैं 10वीं पास। 10वीं पास, देख लीजिए भाई साहब, 10वीं पास वाले सेटल है, और आप इतनी पढ़ाई रेडी लगवाओगे बीटेक वालों को? अब रेडी लगवाओगे बताओ? मोदी जी कहते हैं कि चलो रोजगार तो है ना, कमाते तो है ना, वो यही बात है, पढ़ लिख के रेडी लगाओ। हमने 10-12 लाख इन्होंने बीटेक की हुई है, ये कमा रहा है ये नहीं कमा रहा, यहाँ देखो ना फर्क देखो मैडम जी। तभी तो कह रहे हैं आप, देखो बंदा 10-12 लाख रुपए लगा के बीटेक करता है, फिर उसने रेडी लगानी है तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ? वो तो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। वो भाई पढ़ा नहीं ना 10वीं के बाद? अच्छा, वो पढ़ा इसकी, मैं तो कह रहा बीजेपी, मैं बीजेपी का बंदा हूँ। बीजेपी का चले, तो आने वाले समय में कांग्रेस की वैसे तो कांग्रेस, हरियाणा में कांग्रेस आए, सेंटर में चाहे मोदी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है सेंटर। तो चलिए जी, हमने आज लोगों की राय जो है वो जानने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि कहीं कहीं लोगों ने तो कहा कि कांग्रेस आनी चाहिए, और कहीं ने कहा कि मोदी जी आने चाहिए। अब आप लोग काउंट करके बताए कि कितने लोग, कितने वोट जो है वो मोदी जी को गए और कितने वोट जो है वो कांग्रेस को गए। आप लोग काउंट करने के बाद कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर बताएं, और आप लोगों की क्या कुछ राय है कि किसकी सरकार आनी चाहिए, और आने वाले समय में किस नेता को आप कौन सी पार्टी से देखना पसंद करेंगे? क्योंकि दो ही पार्टी जो है वो ग्राउंड पर लीड करें, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, तो विपक्ष पक्ष में दो ही पार्टियां लीड करी, एक भाजपा और एक कांग्रेस, दोनों का जो है आमना सामना देखने को मिलेगा। देखते आने वाले समय में किसकी सरकार जो है वो देखने को मिलेगी, और आप लोग किस सरकार को देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर बताएं। और देखते रहे IBN 24 न्यूज के साथ, मैं मुस्कान चौधरी, ग्राउंड जीरो से।